इस मंदिर की महत्ता के बारे में एक प्रचलित कथा है कि जब औरंगजेब ने मंदिरों और देवालयों को नष्ट करने का आदेश दिया तब बहुत से मंदिरों देवालयों और मूर्तियों को तोड़ा गया था, परंतु उस समय के स्थानीय तत्कालिक शासन ने देव सूर्य मंदिर को नष्ट नहीं किया। यह जानकर औरंगजेब खुद इसे नष्ट करने आया, किंतु स्थानीय निवासियों और भक्तों की मन्नतें करने पर वो इस शर्त पर रुका कि यदि इस मंदिर में शक्ति है तो आज के आज कोई चमत्कार हो, वरना कल इसे नष्ट होना ही होगा। भगवान सूर्य की महिमा अपरंपार। उसी रात्रि एक भयानक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ मंदिर का दरवाजा, जो पहले पूर्व दिशा में था, पूरा मंदिर घूमकर पश्चिम दिशा में हो गया। ये चमत्कार देख औरंगजेब भी नतमस्तक हो गया। मंदिर परिसर में इस घटना के पूर्व खंडित की गई कुछ मूर्तियां अभी भी वहां विद्यमान हैं। वर्ष में दो बार चैत्र मास एवं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यहाँ छठ व्रत के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्तगण दूर दूर से आते हैं। सभी भक्त पहले सूर्य मंदिर के बगल में स्थित पवित्र सूर्य कुंड में पवित्र स्नान करते हैं। यहीं पर भगवान सूर्य को जल का अर्घ्य देते हैं, फिर पूर्व मंदिर में अपने इष्ट की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि इस प्रकार दंडवत प्रणाम एवं अर्घ्य देने से उनके इष्ट भगवान सूर्य प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। मानव जीवन में संस्कृति और सभ्यता दोनों ही एक दूसरे को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं और अक्सर ही एक दूसरे से रिश्तों में इस तरह गुंथ जाते हैं कि इन्हें अलग अलग पहचानना मुश्किल होता है। छठ पर्व के अवसर पर यहाँ कुछ ऐसा ही समा बनता है। संस्कृति के प्रतीक यहाँ स्थित सूर्य कुंड को गवाह बनाकर श्रद्धालु जब छठ मैया और सूर्य देव की आराधना सूर्य मंदिर में करते हैं तो लगता है मानव सभ्यता कुछ नया रचने को आतुर है। लाखों लाख कतारबद्ध अनुशासित आस्थावान श्रद्धालुओं का हुजूम आराधना के क्षण में संस्कृति एवं सभ्यता में गुथे रिश्तों की अभिव्यक्ति करने लगते हैं। यहाँ कार्तिक एवं चैत्र मास में लगने वाले छठ पर्व के मेले में कोई जाति, उपजाति, धर्म, मजहब का शास्त्रीय कर्मकांड का बंधन नहीं रहता है। सभी भक्त अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा अर्चना में मशगूल रहते हैं। किसी को किसी से राग द्वेष नहीं, बल्कि सामर्थ्य भर सभी एक दूसरे की मदद करने को तत्पर रहते हैं। पौराणिक बिहार में प्रदेश के इस विख्यात छठ पर्व की महिमा अब प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में भी फैल गई है। बिहार में सूर्य पूजा की परंपरा बहुत ही पुरानी है। बोधगया के रेलिंग में हम लोग को सूर्य की प्रतिमा मिलती है, जिसमें सूर्य के साथ चार घोड़ों का अंकन किया गया है। यह रेलिंग लगभग 2000 वर्ष पुराना है। ऐसे अगर हम लिटरेरी टेक्स्ट्स की बात करें तो वैदिक टेक्स्ट में भी सूर्य पूजा के बारे में पता चलता है और बौद्ध साहित्य में भी इसके बारे में पता चलता है। वेनसांग के यात्रा वृत्तांत से भी पता चलता है। कहा जाता है कि सूर्य काया यानी शरीर का स्वामी है, अतः इसके प्रभाव से क्षय, उपदंश, जलोदर, कोढ़, अग्निमांद आदि प्राणात्मक रोग भी निर्मूल हो जाते हैं। कायिक, वाचिक, मानसिक, संसर्ग जनित पाप, उपपाप, महापाप आदि भगवान सूर्य के प्रभाव से दूर होकर सुख धर्म और यश का लाभ देते हैं।
छठ पर्व के अलावा प्रति रविवार असंख्य श्रद्धालु भक्त देव सूर्य मंदिर में पूजन करने आते हैं। मंदिर के पुजारी गण भी स्वयं स्नान कर संध्या वंदन पूर्व रक्त चंदन, रक्त वस्त्र, रक्त पुष्प आदि से वैदिक विधि द्वारा भगवान भास्कर की अर्चना करते हैं। इसका एक पट भी बाहर में लिखा हुआ है, कुछ तो हम लोग जो उसकी भाषा है पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन जो यहाँ के लोग जो पुजारी लोग हैं, अन्य लोग मंदिर के लोग हैं, तो उनके अनुसार यह मंदिर बिहार के सबसे पुराने मंदिर में इसकी गिनती होती है और लोगों का जो आस्था है, विश्वास है, आज भी वो उसी तरह कायम है और आसपास के लोग इसके रख रखाव में भी पूरी दिलचस्पी रखते हैं। बिहार प्रदेश अपने नाम के अनुरूप पूर्व में देवों, मुनियों, सन्यासियों आदि का विहार स्थल रहा है। इसके अनेकानेक प्रमाण भी हमें प्राप्त होते रहे हैं। ऐसे ही प्रमाणों की श्रृंखला में मौजूद है धर्म का अनोखा त्रिकोणीय सूर्य आराधना स्थल। सुप्रसिद्ध देव सूर्य मंदिर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर पटना औरंगाबाद राज्य पथ पर विक्रमपाली के पास स्थित है उलार का प्रसिद्ध मंदिर, भगवान सूर्य के ख्याति प्राप्त मंदिरों में एक। ये उलार का सूर्य मंदिर धर्म क्षेत्र में अपना विशेष स्थान रखता है। प्राचीन मगध राज्य में भगवान सूर्य की विशेष आराधना होती थी, ये उसी का प्रमाण है। एक और प्रसिद्ध भगवान भास्कर की पूजा स्थली बड़गांव का सूर्य मंदिर है। नालंदा जिले के बड़गांव ग्राम में अवस्थित ये प्राचीन मंदिर, जिसकी दूरी देव सूर्य मंदिर से करीब 100 किलोमीटर तथा उलार सूर्य मंदिर से भी 100 किलोमीटर लगभग है, यदि एक एक रेखा खींचकर इन तीनों मंदिरों को मिलाया जाए तो बन जाता है अत्यंत पवित्र एवं धार्मिक त्रिकोण, जिसके हर कोण पर स्थित है एक महत्वपूर्ण धर्म स्थल सूर्य मंदिर, जो भगवान भास्कर की आराधना का ऐसा त्रिकोणीय स्थल है जो विश्व में बिरला है। बिहार के गांवों का यदि पुरातात्विक सर्वेक्षण किया जाए तो दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार के गांव-गांव में सूर्य की प्रतिमाएं मिलती हैं। अधिकांश सूर्य की प्रतिमाएं यहाँ 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच मिलती है। ये काले कसौटी पत्थर में होता है, चमकीला होता है। इसमें सूर्य के 7 घोड़े दिखाई देते हैं, सूर्य का सारथी आरुणि इसमें दिखता है और फिर इसमें उषा और प्रत्युषा का भी अंकन होता है, दो देवताओं का भी अंकन होता है, एक दंड और एक पिंगल। लेकिन सूर्य प्रतिमाओं का जो यहाँ उद्भव और विकास हुआ वो 8वीं शताब्दी से बहुत पहले से हुआ। प्राचीन देव सूर्य मंदिर के कच्चे आंगन को सन 1985 ईस्वी में औरंगाबाद के भक्त गुप्ता जी एवं देव सूर्य मंदिर के सहयोगी बाबा जी के सुसहयोग द्वारा पक्का कराया गया। देव से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पाताल गंगा तालाब। कहा जाता है करीब 125 वर्ष पूर्व ज्ञानी नंद जी महाराज नामक एक सिद्ध महात्मा ने पृथ्वी में चिमटा धसाया और पाताल से गंगा जल निकल पड़ा, तभी से इस स्थान को पाताल गंगा कहते हैं। यहाँ पर एक तालाब का निर्माण कर दिया गया। इस तालाब में स्नान का फल गंगा स्नान के सदृश माना जाता है। देव सूर्य मंदिर आने वाले भक्तगण पाताल गंगा में स्नान एवं यहाँ स्थित मंदिरों में भगवान की पूजा एवं दर्शन का लाभ उठाते हैं। देव सूर्य मंदिर के पश्चिम जहाँ मेला स्थल है वहीं पर है ये रानी तालाब। राजा साहब ने देव में अपनी प्रिय रानी की स्मृति में इस तालाब का निर्माण करवाया था। प्रेम का प्रतीक ये तालाब सुंदरता में सूर्य कुंड से कम नहीं है। आदि देव नमस्तुभ्यं
प्रसीदहतम भास्करम दिवाकरह नमस्तुभ्याम प्रभाकरह नमोस्तुते।